इसको बाय तो कर दो किरत भाई, इसको भी ले जाओ यार। अरे मैं अलाउड नहीं है 18 से कम बंदे यार। किरत कैसा है, आ गया बुआ के घर से है? मेरे को भूल जाता है वहां जाके, मैं बताऊं तेरे को, मैं है वहां जाके तेरे को मेरी याद नहीं आती है। चल बाय बाय। इसका वो गिफ्ट दे दो भैया। कौन सा इसका गिफ्ट? ये बड़ा इसका गिफ्ट, एक दो सारे के सारे गिफ्ट यहीं पर है। वो वाला वो अंदर पड़ा रूम में, आ जा दे तू। ये रहा। नहीं मैंने नहीं खेला था, ये आपका, ये मैं क्यों खेलूंगा इसके साथ। चल प्रीति शाम को मिलते हैं। नहीं नहीं गाड़ी बजा रहे। क्या लगम सन्नी भैया? हाँ भाई। ये देखो मुंबई से कौन आए हैं, गुरवंश गुजराल। और जीजू कैसे? मेरी वापसी हो गई है, वापसी। तो आज का प्लान क्या है? हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए। कहाँ पर? स्मैश स्मैश सेक्टर, सेक्टर 29। हमारे साथ एक बंदा हो रहा है, थोड़ा बिजी, अभी उससे मिलवाते हैं। तो यहाँ मैं अपना हेलमेट भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, बिकॉज हम गो कार्टिंग करेंगे, साथ में मोटर व्लॉगिंग भी करेंगे। और इधर देखिए, हमारे लिए कुछ सरप्राइज लेके आए हैं मुंबई से, वेरी सून, बहुत दूर से। और अभी हमारा ना एक प्लान भी बन रहा है कुछ तूफानी करने का, मतलब ये वाला प्लान नहीं, कुछ 3-4 दिन रुक के। मुझे नहीं पता कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा, वैसे सबने हामी भर दी है, इन्होंने भर दी है, ये जो पीछे ये 10 मिनट वाले हैं, ये ऊपर की वो खोलना, थोड़ी रोशनी आ जाएगी, आपकी शक्ल क्लियर दिख जाएगी। 10 मिनट पहले मुझे बता दोगे तो मैं चलूंगा। इलेक्शन जीतने के बाद मैं ये खोल के ऊपर खड़ा हूँ। ये खोलेगा ही नहीं। तो हमने सुबह से सन्नी भैया को कहा हुआ था बुकिंग करा दो, लेकिन उन्होंने बुकिंग कराई नहीं है। अभी खाली 2 ही दिन हुआ स्मैश खुले, हो सकता है नंबर आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, खाली हाथ वापसी आना पड़े। फिर मेरे से इतना भारी हेलमेट क्यों उठवाया यार? राइट चलियो, अगर बुकिंग ना मिली ना भाई फिर देख लेना सन्नी भैया। अरे मिलेगी, सब मिलेगी, नहीं मिलेगी कहीं और चल लेंगे। अश्नीत इन द हाउस जी। हाँ मतलब जो है शक्ल दिखा दे, बाय बाय कर दे उसको, शक्ल दिखा दे। तो अभी का सीन क्या रहा है यहाँ पर? अभी पूरा बुकड है ये 7 बजे तक, अभी 5 बजे हैं, 2 घंटे हम सोचे बॉलिंग कर लें, यहाँ बुकिंग करा देते हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। मतलब सामने देखो भाई सीन, और ऊपर से हेलमेट भी लेके आया हूँ, पूरा मोटर व्लॉग करने वाला हूँ यहाँ पर, पहली बार ऐसा करेंगे। अभी देखते हैं नंबर आ जाएगा आज अपना। ये बताओ कैसा लगा इस चेयर में बैठ के? बहुत बढ़िया भाई, तुमने सीन बनाना था आज मेरा पूरा, तो भगवान ने मेरा साथ दे दिया, जो बचाव हो गया। एक्चुअली सीन क्या ना, हम इसको पूरा नहीं हटा रहे, पूरा हटाएंगे तो पता क्या होएगा, बंदा अंदर चला जाएगा और उसके अलग अलग आ जाएगी कमर वमर, पता चले स्क्रैच पड़ेगा और हमारे पे नाम आ गए। इसे हम पूरा नहीं उठा रहे, मजाक कर रहे हैं, लेकिन उतने लेवल का कर रहे हैं कि सामने वाले को भी हजम हो जाए और हमें भी हो जाए। थैंक यू। हाँ लगाओ, आ जा। ये खुला ही नहीं है तो इतना ही खुलता है, पैसे क्या करूँ मैं? एक चांस और खेल रहे हैं, अगर अब नहीं आया ना ये वाला उठाओ, रेड वाला ये आएगा जी। ये क्या किया है भाई? आ गई बॉल, आ गया, मजा आ गया। तो अभी हम आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जब तक हमारा वहाँ नंबर नहीं आता बॉलिंग करेंगे। मैंने मारा 893, इसका नहीं देखेंगे, ठीक है? चलो चलो Yeah
896 गुरु। चलो भाई तुम्हारी बारी। ओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई खतरनाक अश्नीत। ओ भाई ताली दे ताली। सब शहीद हुए हैं। गुरवंश भाई कर दो कमाल। ओ भाई ओ भाई ओ वो मैन। ये हमारे जट भाई अभी तक अंडे पे ही है। अंडे छे भाई छे। अंडे से ऊपर। हेलो एक मिनट। अंडे अंडे से भाई छे है। वो देखो जट क्या के जीरो है। बोले क्या क्या। देखो छे अंडे से ऊपर निकल ही नहीं पा रहे भाई साहब। हम ये स्टैंड लगा रहे हैं। जीजू का स्कोर देख लो एक बारी। सबसे कम जतपाल 19। यार क्या हट रहे यार। ओ यार मारो यार एक बारी। भाई जोरदार तालियां मार देना सारे। तालियां भाई और क्या लैपिंग है भाई। ये इनको देखो संदीप भैया को हार रहे हैं तो चीटिंग कर रहे हैं। अबे क्या ये ओए एक का साइड करने के बाद भी काम खराब। तो गेम खत्म पैसे हजम। जीता हुआ बंदा कहेंगे जीता हुआ। ओ भाई बहुत बहुत मुबारक। ये तुमको मैंने चांस दे दिया जीतने का तो ज्यादा खुश मत हो। बस ठीक है यार क्या अभी मेहमान हूँ ना मैं। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने इनको ना चैलेंज भी किया था कि मेरे से पंगा मत लेना। 120 पॉइंट मेरे हैं। ओ भाई हेलो हेलो। ये गेम जीता मैं हूँ। शर्म ये आ भाई मैं जीता हूँ। ये मानेंगे अब ये मानेंगे नहीं। अब ये लोग मानेंगे नहीं। ये गेम सिर्फ एक ही बंदा जीता है जिसका नाम है जट प्रभजोत। चलो भाई आ जाओ। तो बहुत उम्मीद से सारे बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर आएगा लेकिन ये नहीं पता कब आएगा। 7 बजे का टाइम था अभी तक नंबर नहीं आया। मोस्ट प्रॉबली आधे घंटे में आ जाएगा। जीत के ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा यार। अरे भाई जब हम बॉलिंग कर रहे थे तब इन्होंने बोला था और जीजू ने बोला था हम जीतेंगे लेकिन मैं था। दोनों के दोनों लास्ट आए हैं। लास्ट मैं था। अरे जाओ यार। ओ भाई अश्नीत तेरे को क्या हो गया भाई बहुत पुरा यार। ये वाली देखो ये वाली फोटो। सन्नी की शक्ल फटी हुई है। सन्नी भैया को देखो। ईशु भाई ऐसे लग रहे जैसे चाटे ही चाटे मारे किसी ने। इस लॉकर के अंदर कम से कम 15 फोन है। 20 लाख रुपए का लॉकर है भाई ये कम से कम। लूट लो 5 नंबर लॉकर। इन बिटवीन केस अगर आपको ट्रैक मार्शल ब्लू फ्लैग शो करता है इट मीन 7 लोगों में से कोई फास्ट ड्राइविंग कर रहा है वो आपके पीछे है आप उसे साइड दोगे। ये छोटे वाला नहीं बहुत बड़ा यार। गलती हो गई। देख लो सब कैसा रेडी है। मैं हेलमेट पहन के जा रहा हूँ मोटो ब्लॉक के लिए। ओ भाई मिट्टी नहीं आएगी। ये टेंशन है जीजू टेंशन मिट्टी नहीं टेंशन है। ये सब कैसा बैठ गए। मेरा 14 नंबर है पूरी। ओके मेरा एरा भाई मेरी एरी सब रेडी हो। इसमें तो कोई भी नहीं है। ओके ये काम आज कुछ खतरनाक होने वाला मेरे को ऐसा लग रहा है। राइट में एक्सीलेटर है लेफ्ट में ब्रेक है। ठीक है पैर आपका कंफर्टेबल है। पैर कंफर्टेबल है। हल्की थी पीछे हो सकती सीट पैडल्स हो जाएंगे सीट भी। वाह हाँ ये ठीक है। ओके इसमें सीट भी पीछे हो सकती है और सबकी सेफ्टी के लिए इन्होंने नेक गार्ड पहना दिया है। उससे क्या रहेगा ना इस गाड़ी में झटके बहुत लगते हैं तो आपकी नेक पे असर नहीं आना चाहिए। और मेरे को लग रहा है धमाल होने वाली है। जा रहे हो बाय बाय। इस गाड़ी में इनकी सीट बेल्ट बंद नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ हिज पेट। जो पेट है वो सीट बेल्ट बंद नहीं होने दे रहा था तो उनके लिए दूसरी गाड़ी आई है आगे वाली। हाँ ठीक है जीतोगे नहीं कह रहे मैं आगे आ गया सबसे। 1 2 3 4 5 6 अरे एक बंदा कम है यार। अच्छा पीछे है। ओके 7 के 7। और सही बताऊँ इसका स्टेयरिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है।
मेरे को लग रहा था बड़ा इजी होगा, जैसे गाड़ी में नहीं होता वो पावर स्टीयरिंग। ओहो हो, बाय बाय। ओ भाई ये है जिंदगी के असली मजे। अरे जगह दे दो। अरे जगह दोगे तभी तो निकलूंगा मैं आगे। जगह दे दो, जगह जगह जगह। ये बात सबसे आगे सन्नी भैया और वो बहुत आगे हैं, ईशु भाई के चक्कर में वो आगे निकल गए। अब उनसे आगे निकलना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज गैप बहुत ज्यादा हो गया। और दिखने में जितना इजी है ना ये उतना है नहीं, सही बता रहा हूँ। ओ, ओ, ओ भाई आ गया मजा। ओ भाई साहब ये क्या था भाई, किस्मत अच्छी थी बच गया। 6 मिनट के मजे के लिए हमने 2.5 घंटे वेट करा लेकिन मजा आ गया। सिर्फ 32 सेकेंड लास्ट है। मेरे को लग रहा है सन्नी वैसा निकलना आगे बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं, मुश्किल इसलिए बिकॉज वो बहुत पहले चले थे और मैं बहुत लेट चला था। सन्नी भैया ये चीटिंग है यार, जो सबसे पहले चला गया वो आगे ही रहता है। सबसे आगे निकल गया मैंने भाई, 4 बारी ओवरटेक करा। ओ भाई साहब भाई इतनी तेज गाड़ी ठुकी ना, इधर दिखाओ ना भाई, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ भाई इधर देख लो, इधर 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 फर्स्ट फर्स्ट में आऊं तो फर्स्ट आया प्रभजोत, सेकंड नंबर पे आया अश्नीक और थर्ड आए हैं सन्नी भैया। चलो वहाँ खड़े हो। अब मैं बताता हूँ, वहाँ तो बाद में खड़े होंगे, पहले मैं चक्कर तो बता दूँ। ऐसा नहीं है कि सबसे आगे जो बंदा वो जीतेगा, मैं था सबसे आगे लेकिन जीता तो नहीं ना। आए जो सबसे तेज रैप मारता है ना, सबसे तेज गाड़ी चला के पूरा एक वो कंप्लीट करता है, वही जीतता। मैंने किसी को आगे निकलने नहीं दिया। निकलने देने से क्या होगा, जीता तो मैं ही हूँ। चलो आओ मेरे को ट्रॉफी दो भाई, ट्रॉफी दे दो सारे मिल के। आ जाओ आ जाओ ले भाई ट्रॉफी लिया। थैंक यू। तालियां नहीं, अच्छा नहीं लगता। सारे तीनों फ्रॉड है, फ्रॉड। जीजू कह रहे हैं सारे के सारे फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं भाई, जीते हैं तभी ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। अब ये लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। चलो भाई अब मेरे को कोई रोक के दिखा, कसम से कह रहा हूँ मजाक नहीं है, रख दे तो भाई पंगा हो जाएगा।